ब्रदर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो आज ईद का दिन है एंड जैसे आप लोगों ने टाइटल एंड थंबनेल देखी होगी कि हम कैसे जो है पाकिस्तान में मतलब सारा तकरीबन एक ही जैसा होता है, तो कैसे हम ईद मनाते हैं। और मैं तो बेसिकली यहाँ सवात का हूँ, तो यहाँ मौसम भी आप लोग देख सकते हो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत मौसम है। एंड इसके अलावा जो है ईद अभी आप लोग देख सकते हो कि ईद के कपड़े हैं, उसके अलावा जो है जूते, अल्हम्दुलिल्लाह कि अभी ईद का मतलब 11 बजने वाले हैं। एंड कुछ मतलब पहले जैसा मज़ा नहीं आ रहा, क्योंकि पहले जब हम बच्चे होते थे तो मज़ा भी कुछ और था, और उसके अलावा पैसे भी मिलते थे लोगों से। अब तो ना पैसे मिलते हैं ना कुछ और मिलता है, बस इतना मज़ा नहीं है जितना बचपन में हुआ करता था। तो अभी मैं जाऊंगा अपने नाना के घर, और उसके बाद जो है कुछ दोस्तों से भी मिलने जाऊंगा, तो वहां पर उन लोगों को ईद मुबारक वगैरह देनी है। एंड उसके अलावा जो है आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा कि आज के दिन क्या क्या होने वाले हैं। सो स्टे विद अस। सो सबसे पहले यहाँ पर जो आप लोग को घर नज़र आ रहे हैं, सबसे पहले मैं अपने कज़न्स वगैरह से मिलूँगा, ठीक है? क्योंकि आप लोगों को पता है कि भाई के बाद जो है सबसे पहला आप लोगों को कज़न्स का प्यार मिलेगा। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो कज़न्स वगैरह है, तो एक दूसरे से मतलब काफ़ी रिलेशन्स और ये निभाते हैं। एंड इसके अलावा जो है काफ़ी आप लोग देख सकते हो कि ये हमारा फार्म हाउस है। एंड इसके अलावा वेदर भी आप लोग देख सकते हो, तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत वेदर है। एंड अभी यहाँ पर मैं अपने कज़न्स वगैरह से मिलूँगा और उसको ईद मुबारक वगैरह दूँगा। सो देखते हैं कि वो लोग अंदर है या बाहर हैं। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक भाई, ईद मुबारक। सो फाइनली कज़न वगैरह से मिल गए हैं एंड अभी वापस घर जाना है, क्योंकि थोड़ा सा काम है एंड उसके बाद जो है फिर और दोस्तों से मिलना है। तो अभी मैं अपने नाना के घर आया हूँ एंड ये 1 बजे का टाइम है, यहाँ पर खाना तैयार है। इसमें क्या है यार? तो दिन ऐसे ही गुजर गई है और अभी काफ़ी थक गई है, क्योंकि सुबह उठ के नमाज पढ़ के उसके बाद जो है तो थोड़ा सा नींद भी आप सब करते होंगे, तो जितना मुझसे हो सकता था मैंने कर लिया है। एंड व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, इन चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अल्लाह हाफिज़।